खबर है। वसुंधरा राजे बीती रात दिल्ली पहुंची हैं। राजे को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया, यानी कि देर रात को जयपुर से दिल्ली आई हैं वसुंधरा राजे। आपको बता दें कि देर रात फ्लाइट से दिल्ली पहुंची हैं वसुंधरा राजे। एयरपोर्ट पर मीडिया से हालांकि उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, आज पार्टी आलाकमान से मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, राजस्थान के सीएम पद से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। वसुंधरा राजे को बीजेपी आलाकमान की तरफ से बुलाहट आई है और बीजेपी आलाकमान से आज मुलाकात कर सकती हैं वसुंधरा राजे। इसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। तो एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन सीएम बनेगा, इसको लेकर बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं। हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पहली तस्वीर है वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, आलाकमान से मुलाकात संभव है और बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कई नामों पर चर्चा है लेकिन सबसे आगे वसुंधरा राजे का नाम फिलहाल दिखाई दे रहा है। आज माना जा सकता है कि आज जो ऐलान है वो हो सकता है एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर यह मंथन है कि आखिर किसका राज तिलक होगा। एक और बड़ी खबर है वसुंधरा राजे से जुड़ी, खबर है वसुंधरा ने बीजेपी अध्यक्ष से मांगा है वक्त। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो वसुंधरा ने नड्डा से मिलने के लिए वक्त मांगा है। कल दिल्ली पहुंच गई थी वसुंधरा राजे और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर सकती है और इसके लिए वसुंधरा राजे ने वक्त मांगा है जेपी नड्डा से मुलाकात करने को लेकर। तो दिल्ली आई वसुंधरा राजे और जो बड़ी जानकारी आ रही है कि वक्त मांगा गया है, यहाँ पर मंथन हो सकता है, चर्चा हो सकती है, क्योंकि सबसे आगे वसुंधरा राजे का जो नाम है वो फिलहाल राजस्थान में दिखाई दे रहा है लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है और यही वजह है कि अटकलें देखने को मिल रही है। लेकिन क्या वाकई राजस्थान में सीएम पद का चेहरा वसुंधरा राजे हैं, क्या ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी, सवाल बरकरार है लेकिन विचार विमर्श और मंथन का दौर भी लगातार जारी है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं तेलंगाना में।